दोस्तों, अगर आपके फेसबुक में ऐसा इंटरफेस आ रहा है तो आप सही जगह आए हैं। आपका फेसबुक अकाउंट लॉक किया गया है और इसे कैसे अनलॉक करें वो हम जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को दबा दें लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। और आप देख रहे हैं गेट सेट वॉच। इस अकाउंट को अनलॉक करने से पहले हम जानेंगे इसके रीज़न कि इसे क्यों लॉक किया गया है। देखिए, यहाँ हेल्प पे आ जाइए। पहला वाला ऑप्शन देखिए, व्हाई हैज़ माय अकाउंट बीन लॉक्ड। यहाँ साफ साफ लिखा है, विदाउट आपके परमिशन के अगर आपके अकाउंट को कोई एक्सेस करने की कोशिश करे या फिर लॉगिन करने की कोशिश करे तो इसे लॉक किया जाएगा। अगर आपके अकाउंट से कोई गलत एक्टिविटीज़ होगा तो भी लॉक कर देगा। आप इसे अनलॉक कर पाएंगे अगर आप अपनी आइडेंटिटी कंफर्म करें, तभी ये अनलॉक होगा। और वो कैसे करेंगे वो हम जानेंगे इस वीडियो में। बिना स्किप किए पूरा अंत तक बने रहे तभी आप अपने अकाउंट को अनलॉक कर पाएंगे। पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से लॉग आउट कर दें अपने अकाउंट को। उसके बाद क्रोम ब्राउज़र पे चले जाए। क्रोम ब्राउज़र पे आने के बाद यहाँ पे सर्च करें m.facebook.com। इसे सर्च करें। देखिए, अगर आपके यहाँ पे लॉगिन नहीं है तो इसे लॉगिन कर ले, अगर है तो ऐसा इंटरफेस आएगा। इतना तक आने के बाद आप सबके मन में एक क्वेश्चन रहेगा कि मेरे डॉक्यूमेंट पे तो दूसरा नाम है और मेरे फेसबुक अकाउंट पे दूसरा नाम है, तो हम कैसे अपने आइडेंटिटी को कंफर्म करेंगे। बिल्कुल हाँ, आप कर पाएंगे। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, आपके आधार कार्ड पे जो नाम है वो नाम इस अकाउंट पे भी रख लीजिए। तो वो कैसे करेंगे, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, एक ऑफिशियल लिंक फेसबुक के, वहाँ से जाकर आप अपने नाम को चेंज कर सकते हैं। देखिए, यहाँ सर्च बार पे आइए और मेरा वो लिंक पे क्लिक कीजिए। ये सर्च करने के बाद आप डायरेक्ट इस पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ से आपका जो नाम है आधार कार्ड पे वो फर्स्ट नेम दे दे, आपका अगर मिडिल नेम है तो दे देना और थर्ड नेम दे देना। देखिए, मैं जैसा जैसा कर रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही करना। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट नेम मैं दे देता हूँ आनंद, मेरा मिडिल नेम नहीं है इसलिए मिडिल नेम नहीं दूंगा, लास्ट नेम दे दूंगा कुमार। उसके बाद नीचे आ जाना। देखिए, रीज़न फॉर दिस चेंज, मैं क्या करूँगा, मैं नाम चेंज कर रहा हूँ, लीगल नेम चेंज। उसके बाद चूज फाइल, मैं अपने वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर दूंगा। उसके बाद सेंड। सेंड करने के बाद ये ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, सिंपली ये होम पे चले जाए और ऐसे ही सेम प्रोसेस से आप अपने आइडेंटिटी को भी कंफर्म कर दे और 24 घंटे के बाद देखना ऐसा एक इंटरफेस आएगा। गेट स्टार्ट करने से आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा।